तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम दर्शन का अध्ययन करना चाहते हैं, खास करके उसमें आज अलॉटेड टॉपिक सांख्य दर्शन के विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मेरा गिस्टाल्ट थ्योरी की तरह एक संपूर्ण में उसके अस्तित्व की हम बात करना चाहेंगे। तो हमारा साध्य फिलहाल क्या है, शिक्षा शास्त्र विषय पर मास्टरी प्राप्त करना या उस पर अधिकार प्राप्त करना, ये एक कोशिश है। इस कोशिश के अनुक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उसका हम विषय विस्तार में जानना पड़ेगा। उसका विषय विस्तार क्या है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले कि हमें ये एकदम क्लैरिफाई होना चाहिए कि हम उसमें पढ़ें तो क्या पढ़ें, आखिर कितना पढ़ें। तो एक लंबा चौड़ा सा लिस्ट आता है, विषय क्षेत्र सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप, दो कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए, जिसके विषय में हमें अवेयर होना चाहिए। तो शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा का दर्शन क्या है, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्यों को निर्धारित करने में दर्शन की महती भूमिका होती है, या पूर्ण रूपेण हम उद्देश्य कहाँ से लाते हैं, शिक्षा के उद्देश्य हम उस समाज के, उस राष्ट्र के, उस संस्कृत के दर्शन से हम उठाते हैं, या जो भी शिक्षा मनीषी है, शिक्षा के चिंतक है, वहां से उठाते हैं। जब एक बार हम उद्देश्यों का निर्धारण कर देते हैं, उद्देश्यों के निर्धारण करने के पश्चात कि जो हम करिकुलम बनाते हैं, उस करिकुलम को हम किस मेथड से पढ़ाएं और किस लेवल में कैसे किसे कितना पढ़ाएं, जब हम इस बिंदु की बात करते हैं, हमें सहज ही मनोविज्ञान का आसरा लेना पड़ता है। समाज किस तरह का, हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम किस राजव्यवस्था के मेंटालिटी को, एटीट्यूड को हम डेवलप करना चाहते हैं, उसी तरह का हम उसके राजनैतिक तंत्र का अध्ययन करना चाहते हैं, उसी तरह की नागरिकता का विकास करना चाहते हैं, उसी तरह सामाजिकता का विकास करना चाहते हैं। तो ये इसके कुछ विषय क्षेत्र हैं, और इसी विषय क्षेत्र पर जो अध्ययन हो चुका है वो आज तक का हमारा सब्जेक्ट मैटर हो गया, या विषय सामग्री हो गई। तो इन्हीं शिक्षा के दर्शन में जो हम उद्देश्यों के, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण करने के लिए हम जो दर्शन लेते हैं, उसमें भी हम दर्शन का भी स्कोप हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो दर्शन, सॉरी, दर्शन का ये स्कोप है कि दर्शन का मुख्यतः तीन विषय क्षेत्र मुख्यतः तीन माना जाता है, तीन भाग में माना जाता है, एक तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा। उसके अंतर्गत फिर तीन और हो जाते हैं, लॉजिक, एस्थेटिक्स और एपिस्टेमोलॉजिक, एस्थेटिक्स एंड एक्सियोलॉजी, ये तीन पार्ट उसके आ जाते हैं। तो कुल मिला के मोटे मोटे तीन ही पार्ट हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा, जो कह लीजिए। कोई विशेष भेद नहीं है, अंतर तो है, भेद है, लेकिन जब हम ऊपरी तौर से देखते हैं तो अंतर तो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है। बात करेंगे सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन के भी एक कंप्लीट फिलॉसफी है। बहुत से दर्शन हैं जो दार्शनिक प्रवृत्ति मात्र हैं, दर्शन नहीं हैं, लेकिन सांख्य दर्शन चूंकि भारतीय वांग्मय में वेदों पर आश्रित दर्शन है, इसका एक कंप्लीट फिलॉसफी है। उस कंप्लीट फिलॉसफी को हम कैसे वहां तक पहुंचे, एक बहुत बड़ा विशद प्रश्न है। सभी प्रयास करते हैं सांख्य दर्शन तक पहुंचने का, लेकिन वो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि ऐसा नहीं कि बोधगम्य नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से पैशंस की जरूरत है। और धन्यवाद नितिन सर, आप सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसे ना जान पाए। तो आइए अब
समय ना गंवाते हुए हम उस शिक्षा शास्त्र में जो दार्शनिक पाठ है, दर्शन की व्याख्या है, उसके अंदर जो मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा है, उसके परिप्रेक्ष्य में कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, या उस समय के सांख्य दार्शनिकों ने कैसे शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की होगी, या उनके उनके दर्शन से कैसा मंतव्य निकलता है, इस बारे में हम एक यात्रा करेंगे, एक जर्नी करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि सांख्य दर्शन भारत के जो 9 दर्शन हैं, भारतीय पृष्ठभूमि में कुल मिलाकर जो प्रमुख तौर से हम लोग पढ़ते हैं उसमें 9 दर्शन हैं, 61 दर्शन और 3 जो है नास्तिक दर्शन, जिसे हम कहते हैं कि वेद सम्मत जो दर्शन नहीं है, 6 वेद सम्मत दर्शन हैं और 3 जो है गैर वेद सम्मत, जो वेदों के को मान्यता नहीं देते हैं, ऐसे दर्शन हैं। तो जो वेद को मान्यता नहीं देते हैं वो कौन से दर्शन है, वो वेद विरोधी दर्शन है। उसमें आपका जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये 3 दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं। इसमें कुछ कुछ क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, यही इसी का ज्ञान, इनके शब्दावली का ज्ञान अगर हम थोड़ा सा कर लें तो हमें सब और सभी दर्शन का, एक को छोड़ करके अपवाद स्वरूप आपके चार्वाक दर्शन को छोड़ करके, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, इसको छोड़ करके बाकी सारे दर्शनों का थोड़े से हेर फेर के साथ में एक ही लक्ष्य है, एक जीवात्मा है, इसको जन्म पुनर्जन्म कर्म पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा दिलाना, मोक्ष दिलाना, मुक्ति दिलाना। तो उसकी सब लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, क्या है व्याख्या, ये हम इस दर्शन के को अध्ययन के पश्चात ही पता चलेगा। तो आइए हम सांख्य दर्शन में कुछ जो जरूरी बातें हैं वो बता देते हैं कि सांख्य दर्शन जो भारतीय षड़ दर्शन है उसमें दर्शनों के युग्म हैं। युग्म कौन कौन से हैं, युग्म कहते हैं दो के जोड़े को, और दो के जोड़े कौन कौन से हैं, जैसे आपका हो गया सांख्य के साथ में हम योग को युग्मित करते हैं, पेयर करते हैं। दूसरे है न्याय के साथ हम वैशेषिक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मीमांसा के साथ में हम वेदांत का प्रयोग करते हैं या उसका पेयर करते हैं। तो इस तरह से 3 ग्रुप बन जाते हैं, दो दो के 3 पेयर बन जाते हैं। तो सांख कभी कभी सांख योग को कॉम्बिनेशन ही करके देखा जाता है, क्योंकि सांख और योग में कोई विशेष अंतर नहीं है। विशेष अंतर केवल इस बात का है कि सांख में ईश्वर की सत्ता के विषय में मौन रहता है, सांख ईश्वर के विषय में कुछ नहीं बोलता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि ये निरीश्वरवादी है, कुछ विद्वानों का मत है ये ईश्वरवादी है, लेकिन ईश्वर के औचित्य का ना तो ये खंडन करता है या ना ये मंडन करता है। अब कभी एक बार प्रश्न आया था कि कौन सा दर्शन है जो ईश्वर के विषय में मौन है, तो ईश्वर के विषय में मौन साधने वाला जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में प्राचीन है, प्राचीनतम दर्शन है, और सांख्य दर्शन के विषय की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो ईश्वर श्री कृष्ण जी हैं, ईश्वर कृष्ण नहीं, जो अर्जुन वाले कृष्ण हैं, वो उन भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण जो है सांख्य दर्शन की तमाम शिक्षाओं को, या इनका जो दर्शन है, उनकी जो शिक्षा है, वो दर्शन पर ही आधारित है। उन्होंने जो अपने जीजा श्री अर्जुन को जो महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने उपदेश दिया वो गीता दर्शन में, तो उसमें भी उन्होंने सांख्य के बहुत सी टर्मिनोलॉजी को, बहुत से संप्रत्ययों का उन्होंने प्रयोग किया है। कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल हूं, मुनियों सिद्ध मुनियों में मैं कपिल हूं। ऋषि और मुनि दो शब्द आता है कि एक ऋषि होता है एक मुनि होता है, तो ऋषि क्या होता है और मुनि कौन होते हैं। तो
तो दोनों में फर्क ये होता है, कभी कभी हम ये युग्मित प्रयोग करते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं। ऋषि से मतलब होता है जिन्होंने रचा है, किसी चीज की रचना की है, किसी श्लोक की रचना की है। मुनि कौन होता है? जो उच्च स्तर पर मनन करता है, चिंतन मनन निधिध्यासन आपने सुना होगा, तो लगातार कंटिन्यूअसली मनन करने वाले व्यक्ति को हम मुनि कहते हैं। तो एक बहुत ही उसमें कहा है कि श्रेष्ठ क्या है, उस श्रेष्ठों में श्रेष्ठता की जब बात करते हैं महाभारत के रण में, तो बताते हैं कि मैं मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। तो इससे ये पता चलता है कि ये दर्शन काफी प्राचीन है, लेकिन फिर भी चूंकि हम उस में इतना ज्यादा बिलीव, हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है कह सकते हैं, या जो हमारे रिटर्न रिकॉर्ड की बात करते हैं, जो प्रत्यक्ष की अगर हम बात करें, तो प्रत्यक्ष में इस तरह से हमें किंवदंतियों के सहारे अगर हम ना रहें, तो ये विद्वानों ने ये तर्क दिया है कि ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की ये घटना है। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल का उल्लेख भगवद गीता में भी है, बहुत से उपनिषदों में भी है, बहुत से पुराणों में है, और महाभारत में कपिल को परम ऋषि कहा गया है। सांख्य दर्शन में जो कपिल मुनि का जो जो रचनाएं हैं वो दो हैं, तत्व समास और सांख्य सूत्र, दो रचनाएं हैं, और दोनों, हाँ बिल्कुल सही सत्य कहा नितिन सर आपने कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक और मीमांसा बहुत बहुत ही सुंदर पढ़। तो दो ही रचनाएं हैं, सांख्य सूत्र और तत्व समास। तो तत्व समास सांख्य सूत्र दोनों ही नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही पुरानी रचनाएं हैं। इसमें सबसे प्रामाणिक ग्रंथ ईश्वर कृष्ण का माना जाता है। ईश्वर कृष्ण एक जो टीकाकार हुए हैं, इस पर रचना लिखे हैं, और भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे गौड़पादाचार्य, इस तरह के बहुत से लोग आसुरी हैं, पंचसिख हैं, ये लोग इन्होंने इस पर टीकाएं की हैं, इसके बारे में बताते हैं। अब होता क्या है, सांख्य का नाम सांख्य क्यों पड़ा? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सांख्य क्यों पड़ा? तो सांख्य के विषय में संख्या थोड़ा सा पॉपुलर होता है, थोड़ा सा लोग सामान्य जनमानस के लिए 25 तत्वों के प्रयोग के कारण पुरुष प्रकृति के संसर्ग से जो अन्य तत्व हैं, उन तत्वों की 25 संख्या होने के कारण इसे सांख्य कहा जाता है। किंतु जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है कि संख्या की परिभाषा इसी प्रकार दी, संख्या, सन और जब संधि करेंगे सम प्लस ख्या, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो संख्या बोलते हैं। तो कई कई बार में इसके दो नाम भी नजर आते हैं, अगर आप इंग्लिश वर्जन देखिए, कहीं पर सांख्य लिखा मिलेगा, कहीं पर सामख्य लिखा, एम आता है बीच में, कहीं पर एन आता है। तो इन दोनों की बातों से ये लगता है समख्या है या संख्या है, दोनों के अपने अपने औचित्य हैं। समख्या, सम मीन्स होता है सम्यक, ख्या मतलब ज्ञान, आख्या आपने सुना होगा, आख्या तो लेखपाल महोदय आख्या लगाया करते हैं, रिपोर्ट बनाया करते हैं, तो वो भी एक वैलिड नॉलेज होता है। तो सम मतलब होता है सम्यक, मतलब होता है उचित, राइट, एकदम मुकम्मल, जो मुकम्मल एकदम कंप्लीट नॉलेज है, जो त्रुटि रहित ना ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, जो विवेक ज्ञान है, उसी को क्या कहा जाता है, सम्यक ज्ञान कहा जाता है, सांख्य कहा जाता है। ये इसी शब्दों में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग किया जाता, तो हमें इसी को ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस चीज को ले रहे थे और उन्होंने इसकी बेस पर भी व्याख्या की है। तो मुझे संख्या वाले पर उतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति, इस वजह से यह दर्शन द्वैतवादी है। एक तत्ववादी, द्वैतवादी और बहुतत्ववादी, ये एक किसी भी दर्शन को, किसी भी फिलॉसफी को पढ़ने का या अध्ययन करने का एक अप्रोच होता है। पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी देखें या इंडियन फिलॉसफी देखें, सब में यही है कि
मूल तत्व की बात करता है। दर्शन जो तत्व की बात करता है तो तत्व में मूल तत्व की बात करता है। मूल तत्व में कितने तत्वों को वो स्वीकार करता है? कोई एक तत्व स्वीकार करता है, जैसे आचार्य शंकर ने वेदांत दर्शन में केवल ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है, बाकी को उसका प्रतिभास माना है, उसकी छाया मात्र माना है। इस तरह से केवल एक ही तत्व को मान्यता देने के कारण एक तत्ववादी दर्शन हो गया। इसी तरह प्लेटो का दर्शन है, लेकिन सांख्य दर्शन प्राचीन होने के साथ साथ ये दोनों तत्वों को समान महत्व देता है। समान कहना उतना सार्थक है क्योंकि पुरुष और प्रकृति इन्होंने दो मुख्य तत्व माने हैं, और पुरुष और प्रकृति के संयोजन से ही इस सृष्टि की रचना होती है। तो इसके सृष्टि की इस रचना को समझने के लिए भी सिद्धांत हैं। इसका सिद्धांत है सत्कार्यवाद। दूसरा जो इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट एक सिद्धांत है, वो असत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद, असत्यकार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार्य वो होता है जो कारण जो हो कार्य जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, काज और इफेक्ट। जब हम शोध की बात करते हैं, आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं किसी न किसी कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसी तरह सांख्य दर्शन भी किसी कार्य का कोई ना कोई कारण मानता है, उसे कहते हैं सत्। और उसमें भी दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय ऐसा मानता है कि कारण कार्य है, कारण में पहले से व्याप्त है। दूसरा ये कहता है कि केवल उसी को व्यक्त मात्र कर देना ही उसका परिणति है। दूसरा कहता है नहीं, कारण में कारण व्याप्त तो है, लेकिन उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसका गुण परिवर्तित हो जाता है। एक होता है इसी के सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को फिर आगे हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। हम क्या जो सांख्य दार्शनिक हैं, उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, एक परिमाणवाद और दूसरा है विवर्तवाद। परिमाणवाद किसे कहते हैं? परिमाणवाद कहते हैं कि जो चीजें हैं वो उसी में पहले से व्याप्त हैं, जैसे दूध में दही पहले से व्याप्त है, दूध को दूध का दही बन जाता है। दूसरा एक विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद को मानने वाले आचार्य शंकर महोदय हैं, आचार्य शंकर हैं, शंकराचार्य ने माना विवर्तवाद। विवर्त का वाद का मतलब कि वो अपनी कोई एग्जिस्टेंस रखता ही नहीं है, वो केवल है, वो क्षणिक है, वो केवल आभास मात्र, प्रतीति मात्र हो रही, अपीयरेंस है, रियलिटी कुछ और है, अपीयरेंस है। तो इस तरह विवर्तवाद, और दूसरा थैंक यू सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए, तो परिमाणवाद और विवर्तवाद दो इसके सिद्धांत है सत्कार। अब सत्कार्यवाद ये कहता है कि किसी न किसी कोई किसी किसी कार्य के किसी के होने के लिए किसी चीज का होना लाजिमी है, अवश्यंभावी है। तो इसकी जो अनिवार्यता है, कार्य की होने के लिए कारण की अनिवार्यता है, ये सत्कार्यवाद है। तो सत्कार्यवाद के बाद में इसका एक सिद्धांत आता है विकासवाद। विकासवाद क्या है? कि इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ है? विकासवादी दार्शनिक, अगर आपने पढ़ा होगा तो हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, इस तरह के जो दार्शनिक है जिन्होंने सृष्टि के विकास की बात की, जीवों के विकास की बात की है। अपने भारतीय जो संस्कृति में जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे भगवान विष्णु के कई अवतार माने गए हैं, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, न जाने कितने 10 अवतार माने गए हैं, तो उसमें वो भी एक तरह से जीव के विकासवाद का ही एक सिद्धांत है। उसी तरह सांख्य की भी बताता है कि इस सृष्टि
का सृजन कैसे हुआ है। यह आरंभवाद की बात नहीं करता है। आरंभवाद क्या होता है? एक सृष्टिवाद होता है और एक आरंभवाद होता है। सृष्टिवाद क्या होता है? सृष्टिवाद यह होता है जो पहले से मौजूद था उसी में थोड़ा सा हेर फेर करके सृष्टि का सृजन हो जाता है। दूसरा होता है कि पहले से कुछ भी मौजूद नहीं था, कुछ भी उपलब्ध नहीं था, एग्जिस्ट में नहीं था, इसके बाद में क्या होता है, उसका स्टार्टिंग हो जाता है। तो न्याय वैशेषिक ये मानते हैं आरंभवाद, लेकिन ये आरंभवाद नहीं मानता, ये सृष्टिवाद पर विश्वास करता है कि ये धीरे धीरे जो प्रकृति के जो कण हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के ही माध्यम से उनमें डिसबैलेंस के कारण ही सृजन हुआ है, ये जो सृजन दिखाई दे रहा है। तो सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें सर्वप्रथम आता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का उल्टा होता असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में भी हमने दो बिंदु बताए, एक होता परिमाणवाद, दूसरा होता है विवर्तवाद। परिमाणवाद चीज को जो उसमें व्याप्त है उसको निकाल देना, परिमाणवाद है। विवर्तवाद क्या है कि केवल जो चीज बाद में बना है वो केवल भ्रम मात्र है, जैसे रस्सी का सांप हो जाना, केवल दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। क्योंकि आचार्य शंकर ऐसा ही मानते थे कि जगत सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जो जगत है वो किसका विवर्त है, ब्रह्म का, तो वो विवर्तवाद को मानेंगे। लेकिन सांख्य दार्शनिक क्या मानते हैं, ये विवर्तवाद नहीं है, जो पहले से कार्य था, जो कार्य है वो पहले से किसी कारण के कारण यहां पर उपस्थित है। द्वैतवादी दर्शन है क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों को ही ये समान मान्यता देता है। तीसरा सिद्धांत आता है त्रिविध दुख है, भारतीय दर्शन की ये बहुत बड़ी विशेषता कह सकते हैं, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहें जो अब तक नहीं कही। तो दुख से ही शुरू होता है, महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि चार आर्य सत्य में जो प्रथम है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। तो दुख से ही ये जो मनुष्य का शरीर है ये दुखमय है, तमाम तरह के बहुत तरह के दुख हैं। तो सांख्यों ने कितने तरह के दुख बताए हैं, तीन तरह के दुख बताए हैं, त्रिविध दुख बताए हैं। इसमें कौन कौन सा दुख है, आध्यात्मिक दुख है, आधिदैविक दुख है और भौतिक दुख है। आध्यात्मिक दुख क्या है, मन से, शरीर से, आत्मा से, मन शरीर और आत्मा, इन तीनों में किसी प्रकार का यदि दुख होता है, कोई पागलपन आ गया, कोई रोग आ गया शरीर में, जरा जन मृत्यु, ये सब क्या है, ये आध्यात्मिक दुख हैं। आधिदैविक दुख क्या होते हैं, दैविक दुख ये होते हैं कि बाह्य जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, किसी भी प्रकार का जीव है, किसी ने काट लिया, किसी खनखजूरे ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, सांप ने काट लिया, सांड ने सींग घुसा दी, तो इस तरह के जो भी, किसी व्यक्ति ने चाकू भोंक दिया, तो इस तरह के, किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो इस तरह के जो दुख हैं वो कौन से दुख हैं, ये आधिदैविक दुख हैं, अलौकिक, आधिभौतिक दुख कहना ठीक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और तीसरा है आधिदैविक दुख। दैविक दुख ये होते हैं कि जिनसे, जैसे कोई प्रकृति प्रदत्त कोई आपदा आ जाए, जिसे कई डिजास्टर कहते हैं, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, बाढ़ आ गई, इस तरह के जो दुख होते हैं वो आधिदैविक होते हैं। तो त्रिविध दुख से छुटकारा पाना, दुख व्याप्त है, तीन तरह के दुख होते हैं, ये दुख की कहानी है। अब दुख से कैसे निजात मिलेगी, दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा, इसकी कहानी आगे। विकासवाद की बात करते थे, तो विकासवाद को सांख्यों ने कैसे स्पष्ट किया है, 25 तत्व की बात की गई है सांख्य दर्शन में। सर्वप्रथम है
सबसे महान जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इसके अंदर, सबसे प्रधान एलिमेंट जिसे कह मेन एलिमेंट कह सकते हैं, वो है प्रकृति। और उसके बाद में जो दूसरा तत्व है वो है पुरुष। पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं, दोनों दो तत्व हैं। दोनों तत्व के निकट मात्र आ जाने से, पुरुष के निकट मात्र आ जाने के कारण इस सृष्टि का सृजन होता है। पुरुष जैसे ही प्रकृति के पास में आती है, वैसे ही महत का जन्म हो जाता है। पुरुष जैसे ही प्रकृति के नजदीक, ऐसा नहीं कि एकदम पास जाती है, थोड़ा नजदीक मात्र ही आ जाती है ऐसा मानते हैं, वैसे ही जो प्रकृति में जो महत नाम की चीज आ जाती है, या पुरुष में महत नाम की चीज आ जाती है, क्योंकि महत है वो पुरुष से संबंधित नहीं है। पुरुष के आ जाने से वो प्रकृति डोमिनेटेड है, उसके अंदर प्रकृति का एलिमेंट ज्यादा है। पुरुष को छोड़कर सब क्या है, जड़ है। पुरुष केवल चैतन्य है, ये बात यहां पर ध्यान देने वाली है। क्योंकि जो बुद्धि है सर्वोच्च स्तर पर आत्मा के बाद में, पुरुष को दरअसल इसमें आत्मा कहा गया है। आत्मा जैसे ही, या पुरुष जैसे ही प्रकृति के पास में पहुंचता है, वैसे ही महत का निर्माण हो जाता है, महत का विकास हो जाता है। महत से क्या आता है, अहंकार। महत पुरुष की प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ, बुद्धि या महत उत्पन्न हुआ। महत के बाद में तुरंत क्या उसके बाद में क्या नेक्स्ट स्टेज पे क्या प्रकृति कारण है किसके उत्पत्ति का, बुद्धि की उत्पत्ति का। अब बुद्धि या महत जब उत्पन्न हुआ तो वो भी किसी को उत्पन्न करेगा, कारणवाद है यहां पे। किसको उत्पन्न करेगा, अहंकार को उत्पन्न करेगा। अहंकार अहंकार किसे उत्पन्न करेगा, अहंकार उत्पन्न करेगा मन को उत्पन्न करेगा, ज्ञान इंद्रियों को उत्पन्न करेगा, कर्म इंद्रियों को उत्पन्न करेगा, अहंकार तन्मात्रा को उत्पन्न करेगा, पंच महाभूत को उत्पन्न करेगा। जो लोग नए होंगे, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एकदम एक बार में नहीं समझ में आया, प्रकृति और पुरुष क्या है। प्रकृति है, उसकी व्याख्या में हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब समझाया जाएगा इसमें, या प्रयास किया जाएगा। पुरुष और प्रकृति, पुरुष क्या है जिसे आचार्य शंकर ने आत्मा माना है या परमात्मा माना है, थोड़ा सा भेद है। वहां आत्मा परमात्मा एक ही माना है, यहां परमात्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यह दर्शन ठहरा निरीश्वरवादी, या यूं कहें कि इसमें ईश्वर की भूमिका हाशिए पर है या है ही नहीं, यह माना जाता है कि कई लोग कहते हैं कि ईश्वर का यह समर्थन ही नहीं करता है, कई लोग कहते हैं ईश्वर के विषय में मौन है, कोई लोग कहता नहीं वेदों में आस्था रखने के कारण ये ईश्वरवादी है। लेकिन जो स्पष्ट मत है वो निरीश्वरवादी का ही डोमिनेशन है। किस डोमिनेशन किस पक्ष में है, निरीश्वरवाद के। लेकिन ज्यादा उचित क्या रहेगा कि ये ईश्वर के विषय में तटस्थ है, या ईश्वर के विषय में ये मौन दर्शन है। तो पुरुष चेतन है, प्रकृति क्या है, जड़ है। जड़ और चेतन दो ही चीजें सृष्टि के मूल में हैं, इन्हीं से और 23 तत्व उत्पन्न हुए हैं। 23 तत्व में क्रमशः पुरुष के संपर्क में जैसे ही प्रकृति कह ले सकते हैं, क्योंकि पुरुष को ये क्या माना गया है कि वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। पुरुष पैसिव है, प्रकृति एक्टिव है, प्रकृति क्रियाशील है। और तो क्रियाशील जाएगा या स्थिर चीज जाएगी, क्रियाशील जाएगा। जैसे ही प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है, वैसे ही वो क्या जन्म दे देता है, बुद्धि को। बुद्धि को इस सांख्य दर्शन में महत कहा गया है, महान चीज है बुद्धि।
बुद्ध से फिर क्या रिपीट करेंगे आगे, बुद्ध से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? मन। मन के साथ में मन को छठी इंद्रिय कहती हैं। फिर पांचवी इंद्री, जो पांच इंद्री होती हैं सभी को पता है, फाइव सेंसेस होते हैं, त्वचा जिसे हमें ठंडे गर्म का एहसास होता है, चिकने खुरदरे का एहसास होता है, आंखें जिसे हमें चीजें दिखाई देती हैं, किसी रंग को हम, किसी दृश्य को हम परसीव करते हैं, नाक होती है, नाक से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, गंध लेते हैं, सुगंध भी और दुर्गंध भी उसका एहसास होता है, कर्ण होते हैं उसे हम चीजें सुनते हैं, है ना, शोर भी सुनते हैं और संगीत भी सुनते हैं। तो जीभ हो गई, जीभ से हम चीजों का स्वाद लेते हैं, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, उदासीन है। तो इस तरह से ही पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जिसे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। प्रति अक्ष, अक्ष के जो सामने, अक्ष क्या होता है? आंख का पर्यायवाची है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां कौन सी? ज्ञान इंद्रियां। छठा, छठी इंद्री, कई कई दर्शन में वो उसे छठी इंद्री भी कह देते मन को। और पांच कर्म इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? पांच कर्म इंद्रियों की अगर हम बात करें तो पांच कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह जिसे हम बोलते भी हैं, खाते भी हैं, और इसके बाद में जो खाने के बाद जो पचाते हैं, इसके बाद में जो मल त्यागते हैं, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, वह एक इंद्री, और एक और अंत में एक इंद्री और आती है जिससे हम संतति उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह के पांच कर्म इंद्रियों की बात करते हैं। इसके बाद में तन्मात्राएं आती हैं। वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल है, तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं पांच होती हैं, उसमें क्या होता है? शब्द होता है, स्पर्श होता है, रूप होता है, रस होता है, गंध होता है। बेसिकली शब्द क्या है? जो कानों से हम सुनते हैं, स्पर्श जो हम त्वचा से महसूस करते हैं, रूप हम आंखों से देखते हैं, रस क्या होता है? जो हम जिह्वा से सेंसेशन करते हैं जिसका। गंध क्या होता है? जिसे हम घ्राण से या नाशिका से हम जिसका सेंसेशन करते हैं। और इसी से, इन्हीं के कॉरिस्पॉन्डिंग, इन्हीं के संगत अगर देखें तो पंच महाभूत भी हैं। वो पंच महाभूत कौन है? शब्द के साथ में हम आकाश को, अंतरिक्ष को एसोसिएटेड करते हैं। स्पर्श किसका गुण है? वायु का। रूप किसका गुण है? अग्नि का या तेज का। रस किसका एट्रीब्यूट है या किसका पंच महाभूत है, किससे रिलेटेड है? वो जल का। और गंध किसका एट्रीब्यूट है या किससे रिलेटेड है? वो पृथ्वी का। तो इस तरह से 25 तत्वों के सहारे सृष्टि के विकास की बात करते हैं। तो इस तरह से ये विकास तो हो जाता है। अब आता है कि प्रकृति और पुरुष का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रकृति और पुरुष का क्या कैसे, प्रकृति की क्या विशेषताएं हैं? प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है। तीन गुण की बात करते हैं, तीन गुण गीता में भी बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गुणों की अपनी अपनी विशेषता है, उन गुणों से भी हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। सत्व गुण, प्रकृति के तीन गुण हैं, तो उन तीन गुण को पहले हम समझ लेते हैं। तीन गुण है सत्व, रज और तम गुण। सत्व गुण है ज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। वो स्वप्रकाशित होता है, उसका कलर कैसा होता है? सफेद कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। उसमें क्या होता है? हल्कापन होता है। इन चीजों से व्यक्ति में किन चीजों की अनुभूति होती है? सुख, शांति और तृप्ति, इन चीजों का एहसास इस सत्व सत्व गुण के कारण होता है। रजस गुण,
रजोगुण जिसे कहते हैं वो कैसा गुण है? वो है क्रियाशील है, क्रिया प्रेरक है। किसी चीज को स्टार्टिंग करने में, किसी चीज को स्पार्किंग करने में, जैसे माचिस आपने जला दी, माचिस आपने जलाई इसका मतलब एक क्रिया हुई, उससे लाइट आई, स्पार्क आया, स्पार्क से लाइट जली, और जो क्रिया किया है वो क्या है? रजोगुण है। और उसके बाद में जो कंटिन्यू है, जो लौ जल रही है, वो आपका सत्व गुण है। क्रिया प्रेरणक है, रक्तवर्णी है और चलायमान है, मूव करती है, रक्तवर्णी है। सत्व और तमस को ये क्या करता है? सक्रिय करता है। रजस जिसके पीछे पड़ जाए, चाहे सत्व के पीछे पड़ जाए, चाहे तमस के पीछे पड़ जाए, सत्व के पीछे पड़ेगा तभी उसे क्रियाशील बनाएगा, तम को है, तम को भी ये क्रियाशील बनाता है। तो रज के कारण क्या होता है, रजोगुण के कारण क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है, कुछ नहीं कर पाए जीवन में, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। कोई क्रिया हम क्यों करते हैं? किसी न किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, और जब कोई क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो दुख होता है। किसी न किसी अभिलाषा से ही कोई ना कोई ऐसा प्रयोजन कार्य करते हैं, और कोई कार्य अगर नहीं पूर्ण हो रहा है तो उसे दुख की अनुभूति होती है। तो इसी से अतृप्त मिलता है, विषाद होता है, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। सपोज मेरा भी ये लेक्चर कंप्लीट ना हो पाए तो क्या होगा? मुझे दुख की अनुभूति होगी, क्रिया किया हमने, कोई बाधा आ जाए, तो ये सब दुख, विषाद, चिंता, अतृप्ति इन्हीं कारण होती, क्रिया से ही। आगे क्या है? तमस। तमस गुण क्या है? वो अज्ञान का प्रतीक है, अंधकार युक्त है, काला रंग है इसका। ये सतोगुण का एकदम विपरीत गुण है, और इसमें इसकी क्वालिटी क्या है? इसके अंदर भारीपन होता है, आलस्य होता है, उदासीनता होती है, निष्क्रियता होती है। सुख, दुख और उदासीनता पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। गुण और तमस गुण, इन तीनों के साम्यावस्था जब प्रकृत, जब सृष्टि थी, प्रारंभ में थी, सृष्टि के, सृष्टि सर्जन के या सृष्टि के क्रिएशन का एक साइकिल होता है। अब उस साइकिल पे अगर हम बिलीव करें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि विकसित होती है, और सृष्टि में प्रलय आ जाता है। कैसे होता है? स्टार्टिंग में कैसे था? जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन याद आ रही थी, प्रकृति में शक्ति के कण बिखरे हो निरुपाय, और उसको सम्यक समुचित कलेक्शन अगर उसका हो जाए तो विजयनी मानवता बन जाए, उसका कुछ इसी तरह से सेंस था, याद नहीं आ रहा है। तो उसी तरह की प्रकृति के वो कण प्रकृति में एकदम निरुपाय थे, लेकिन निरुपाय थे वहां पर, उन्होंने माना था कि प्रकृति क्रियाशील नहीं है। यहां पर ये मान है कि प्रकृति क्या है? प्रकृति एक जड़ है, यानी उसके अंदर चेतना नहीं है, चेतना उसके सापेक्ष किसमें है? पुरुष में। प्रकृति जड़ पदार्थ है, जड़ जिसका मूल गुण है जड़, और पुरुष का जो आत्माधारी है, या पुरुष जिसे आत्मा या पुरुष कहते हैं, उसका एट्रीब्यूट क्या है? वो चेतना युक्त है। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति एक है, एक ही प्रकृति है, और पुरुष कितने हैं? अनेक हैं। इसे बहुतत्व ये भी कहा जाता, कई बार बहुतत्ववादी दर्शन भी कह देते हैं इस बेस पे कि पुरुष कितने हैं, क्योंकि असंख्य जीव हैं, अनेक आत्म है, अनेक आत्म, अनेक आत्मवादी दर्शन भी कहा जा सकता है। पुरुष अनेक है जबकि प्रकृति एक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण प्रकृति के ऊपर, तीनों गुण प्रकृति के ऊपर कार्य क्रियाशील होते हैं, जबकि पुरुष चूंकि चेतन है वो त्रिगुणातीत है, वो जड़ नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ये तीनों गुण क्रियाशील नहीं होते हैं। प्रकृति विकारी है, ये माना जाता है प्रकृति में छेड़छाड़ हो सकती है,
प्रकृति में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि पुरुष वो अविकारी है, उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं, वो शुद्ध चेतना है, वो प्योर है, वो सुख दुख इन सबसे परे है, कोई विकार उत्पन्न ही नहीं उसे, सुख दुख अनुभव ही नहीं कर सकता पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा। पुरुष निष्क्रिय इसलिए क्योंकि वो निष्क्रिय चेतना है, फिर भी निष्क्रिय है, सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता है, आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है, दुख नहीं भोग सकता है, निष्क्रिय है। प्रकृति क्या है? प्रकृति सक्रिय है, सक्रिय है इसलिए छेड़छाड़ हो सकती है, टूट फूट जो चलता है उसी वही तो घिसता है, उसी की टूट फूट हो सकती है, वो विकारी है, इसलिए वो बंधनकारी है। प्रकृति क्या है? प्रकृति कैसे क्या करता है? बंधनकारी है, प्रकृति बांध लेती है, आगोश में ले लेती है। किसको? पुरुष को। प्रकृति में इतना आकर्षण होता है कि पुरुष उससे बंधे बिना नहीं रह सकता है। तो प्रकृति की तुलना कैसे की गई है? एक नर्तकी से, एक डांसिंग गर्ल से उसकी तुलना की गई है, यह आकर्षण का केंद्र है। पुरुष क्या हो जाता है? पुरुष प्रकृति भोग्या है, वीर भोग्या वसुंधरा। तो जो वसुंधरा या प्रकृति है वो क्या है? भोग्या है, वो खुद भोग नहीं करती किसी चीजों का, उसका भोग कौन करता है? पुरुष भोगता है। डांसिंग गर्ल कौन है? प्रकृति है, और ऑडियंस कौन है उसके? पुरुष हैं, देख रहे हैं उन चीजों को, और प्रकृति अपने जाल में किसको फंसा रही है? पुरुष को। यही क्या है? यही बंधन है। प्रकृति क्या है? दिक काल से युक्त है। दिक काल, दिशा, समय, देश, काल, स्थान, इन चीजों का प्रभाव इस पर पड़ता है। पुरुष क्या है? दिक काल से मुक्त है, दिशा काल से उसे प्ले, वो अजर अमर अविनाशी, ऐसा आचार्य शंकर कहते हैं। प्रकृति भोग क्या है और पुरुष क्या है? भोगता है उन चीजों को, एंजॉय करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो उसमें सुख दुख की अनुभूति वो नहीं करता है। प्रकृति क्या है? एटर्नल है, शाश्वत है, आदि कारण है। इसे ये किसी इस किसी कारण से ये नहीं, ये किसी कारण का कार्य नहीं है, ये अनादि है, यानी इसका कारण कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने ईश्वर को नहीं माना, इसलिए इसका सृष्टि के सृजनकर्ता ईश्वर भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये निरीश्वरवादी है या ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ये आदि कारण है। इसको बनाने वाला, प्रकृति को बनाने वाला कोई नहीं है, किसी और तत्व से नहीं बनी, जिसको बनाया है इसी ने बनाया है। और चेत पुरुष क्या है? जगत से सर्वथा परे है। अच्छा, कुछ इसके अंदर आ जाता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, विकृति है, प्रकृति और विकृति से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, इसको भी हमें ख्याल रखना है। तो प्रकृति कौन है? केवल प्रकृति कौन है? केवल प्रकृति है, प्रकृति। प्रकृति क्या है? केवल प्रकृति है, यानी जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसमें मॉडिफिकेशन, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो क्या है? प्रकृति है। और जो प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है, प्रकृति का उल्टा क्या है? विकृति। यानी प्रकृति के जिसका कोई कारण होता है, प्रकृति का कोई कारण नहीं है इसलिए प्रकृति प्रकृति है, और जिसका कोई कारण होता है वो क्या है? विकृति है। विकृति का आशय जिसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो पुरुष का ना तो किसी का कार्य है ना कोई कारण है, इसलिए वो क्या है? ना तो वो प्रकृति है और ना ही वो विकृति है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति और विकृति दोनों क्या है? अगर याद कीजिए आप, तो सबसे पहले प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? महत या बुद्धि। और बुद्धि से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? मन।
पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। तो प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुआ, बुद्धि उत्पन्न भी कर रहा, तो इसलिए वो विकृति भी है और प्रकृति भी है। अहंकार प्रकृति भी है, विकृति भी है। और पांच तन्मात्राएं जिससे हम पंच महाभूत उत्पन्न करते, देखें इसमें तो पंच पांच तन्मात्राएं और महत और अहंकार, ये सात तत्व हैं। ये क्या है? प्रकृति भी है, विकृत भी है। ये खुद तो दूसरे पर आश्रित है, खुद इनका कोई ना कारण है, कोई ना कोई कारण है, और खुद ये, और ये कार्य भी है किसी का। ये किसी के कारण है, जैसे पांच तन्मात्राएं हैं, ये किसके कारण है? पंच महाभूत के। और दूसरी बात, महत है वो किसका कारण है? वो अहंकार का। अहंकार के कारण क्या है? ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन। तो इसलिए ये महत, अहंकार और पांच तन्मात्राएं, केवल सात तत्व क्या है? जो प्रकृति भी है और विकृति भी है। अच्छा, केवल विकृति कौन है? यानी जो सिर्फ और सिर्फ कार्य है, किसी का कारण, इनके बाद में इससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है, तो वह है पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और मन, 11। तो इसकी एक संरचना इस तरह से हो गई। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सूक्ष्म है और स्थूल भी है। सूक्ष्म प्रकृति में आप ये समझिए कि पुरुष को छोड़कर सब में प्रकृति है, क्योंकि मन भी, इंद्रियां भी, अहंकार भी, बुद्ध भी, ये सब किसके गुण हैं? ये सभी प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं हैं। तो इन चीजों को समझना यहां पर अवश्यंभावी है। अब समझिए, विश्व का मूल कारण क्या है? प्रकृति है, स्वयं कारणहीन है, यानी स्वयं किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। यह विश्व का प्रधान कारण है। विश्व के, जगत के निर्माण की समस्त वस्तुएं जो हैं, वो किस पर आश्रित हैं? वह प्रकृति पर आश्रित हैं, किंतु प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है। ब्रह्म, ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म किसको कहा जाता है? जिसका विकास हो, प्रकृति का विकास हो रहा है, प्रकृति विकसित हो रही है, अव्यक्त है। इसमें सभी कुछ अव्यक्त रूप से उपस्थित होता है, अनुमान है। प्रकृति को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। प्रत्यक्ष मीन्स प्रति अक्ष, अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए अनुमान को भी ज्ञान का साधन मानती है। और ये मानती है कि प्रकृति को हम केवल अनुमान से हम इसको जान सकते हैं। प्रकृति क्या है? जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि यह भौतिक है। प्रकृति का दूसरा नाम माया भी है। माया क्या है? ये तमाम तरह, ये चूंकि आभाषिक है, थोड़ा सा ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। शक्ति है। शक्ति क्यों है? क्योंकि ये गतिशील होती है, सक्रिय है। ये अविद्या है। प्रकृति को अविद्या का भी स्वरूप कहा गया है। क्यों अविद्या कहा गया है? क्योंकि ये ज्ञान का विरोधाभासी है, ये अज्ञान फैलाती है। प्रकृति एक है, प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है, इसके कोई अवयव नहीं है। प्रकृति कारण है किंतु स्वयं अकारण है, शाश्वत है, दिक् काल की सीमा से बाहर भी है, अदृश्य है, अव्यक्त है, अचेतन है, व्यक्तित्वहीन है, अनादि है, अनंत है, त्रिगुणमयी है ना? तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये सृजन क्यों करती है? सृजन ये करती है क्योंकि ये विकास प्रयोजन पूर्ण है, प्रकृति स्वयं का भोग कराने के लिए और पुरुष का को मोक्ष दिलाने के लिए ये सृजन करती है। पुरुष प्रकृति को जानकर और अनात्म के भेद को जान ले और अपने अस्तित्व को पहचान सके। पुरुष प्रकृति ऐसा करती है कि वो अट्रैक्ट करती है पहले, कैसे? जैसे ही इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये एक नर्तकी है, तो इसी तरह मनुष्य फंसता है। फिर ऐसा इन्होंने बताया सांख्यो ने कि ये इसको इस जान ले कि मैं क्या हूं,
सांख्यों ने बताया है कि सच्चा ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विद्या क्या है, विद्या के संदर्भ में ही आपको पढ़ना है। तो जो मूल विद्या है, जैसे कि बुद्धवादियों ने बताया है कि अविद्या क्या है, चार आर्य सत्यों का ज्ञान न होना क्या है, अविद्या है। और उन्हीं चार आर्य सत्यों का ज्ञान जान लेना, उन्हीं को जान लेना, समझ लेना, उन्हीं का आचरण करना विद्या है। तो सेम उसी पैटर्न पे यहां सांख्य दार्शनिकों ने भी ये कहा है कि पुरुष और प्रकृति के भेद को जान लेना, पुरुष और प्रकृति के अगर भेद को हम जान लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो विद्या हो जाती है। और इनके बीच का गैप होना, ये हमें नहीं पता कि पुरुष और प्रकृति के बीच का ज्ञान न होना, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट ना कर पाना, ये क्या है, अविद्या। हम क्या मान बैठते हैं कि ये जो मेरा रूप है ये मैं हूं। सपोज कुछ मेरा इसमें से क्षय हो जाए तो क्या मैं वो हूं, मुझे कोई शब्द कह दे क्या मैं वो हूं, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मैं जिसका स्वामित्व रखता हूं, क्या वो मैं हूं, वो पुरुष हूं, वो क्या आत्मा है। आत्मा का ऐसा गुण नहीं है, आत्मा कैसा है, आत्मा की अलग क्वालिटी है। ये सुख दुख या ये जो त्रिविध दुख है ये किसको महसूस होता है, ये जड़ को, प्रकृति को महसूस होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा सुख दुख से परे है। यहां पर बताया गया है कि बिल्कुल प्रकृति त्रिगुणमयी है और पुरुष त्रिगुणातीत है। आत्मा का गुण क्या है, आत्मा त्रिविध दुख से दूर है, वो दुख का एहसास नहीं। लेकिन हमें क्या लगता है, कई बार थोड़ा सा पेन हुआ तो मुझे लगता है कि या मैं हूं, मुझे पेन हो रहा है, जबकि वो मुझे पे नहीं। आत्मा, आत्मा को क्या बताया गया है, अविकारी बताया गया है, मुक्त बताया गया है, जगत से परे बताया गया। आत्मा तो वो है ही नहीं, पुरुष तो वो है ही नहीं। हमें मन को ठेस लगी, हमारी बुद्धि को ठेस लगी, हमारी इंद्रियों को थोड़ा सा कष्ट हुआ, हम मान लेते हैं कि हमें कष्ट हुआ, अरे हम तो वो है ही नहीं। ये साफ साफ ये कहना चाहता है, इसी डीट अटैचमेंट को जान लेना सत्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, अन्यथा क्या है, ये बंधन है। प्रकृति और पुरुष के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाना ही बंधन है। इसी बंधन के कारणों को पहचान लेना, इनके तत्वों को, अलग अलग 2500 तत्व हैं पुरुष और प्रकृति को, अलग अलग देख पाना, उसमें उचित डिस्क्रिमिनेशन कर पाना ही जो है विवेक ज्ञान है, और वही शिक्षा का हमारे उद्देश्य है। तो इतना होने के बाद में समय काफी हो चला है, मुझे लगता है कि केवल हम इसके तत्व मीमांसा पर ही थोड़ा सा पहुंच पाए हैं। तो अभी ज्ञान मीमांसा, इसकी आचार मीमांसा बाकी रह गई। मुझे लगता है कि संक्षेप में फिर कभी और मौका मिलेगा तो मैं इस पर, इसके शैक्षिक इम्प्लीकेशन पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। तो थोड़ा सा और बता देते हैं किसकी ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा, जब हमें यह पता चल गया कि वास्तव में अविद्या क्या है, और ज्ञान मीमांसा क्या होती है, कि किसी भी तत्व तक पहुंचने, जो उस पर्टिकुलर कोई फिलॉसफी है उसके फ्रेमवर्क तक पहुंचने का क्या मार्ग है, उसे हम सही तरीके से कैसे जान सकते हैं, नीरछीर का विवेक करना। निरक्षीर के विवेक करने में जो एक दर्शन बहुत एक्सपर्ट है हमारे षड़ दर्शनों में, जिसे नाय कहते हैं, नय से बना है, सादास्ति साथ खड़ा है नहीं, मतलब जो भी नय है नय से चलता है, इसीलिए न्याय दर्शन कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो इसमें विवेक ज्ञान को जान लेना उद्देश्य निर्धारित हो गया, कि परमार्थिक उद्देश्य क्या हो गया, कि हमारा कि पुरुष और प्रकृति के बीच जो भेद है उसको, उसका ज्ञान करा लेना, ये मुख्य उद्देश्य हो गया। इसी से आत्मानुभूति होती है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा एक लौकिक जो सबॉर्डिनेट उसका एक है, वो क्या है, लौकिक उद्देश्य, इस जगत में हम कैसे रहते रहते हम मोक्ष की प्राप्ति करें। नर्तकी का डांस भी देखना है सही तरीके से, प्रॉपर तरीके के, क्योंकि
ये सांख्य दर्शन विकासवाद का प्रणेता है। ये मानता है कि बालक शिशु बालक किशोर वह इस तरह उपस्थित होते होते हम अपने इंद्रियों को सक्षम बनाएं। प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करता है, अनुमान ज्ञान की बात करता है, शब्द ज्ञान की बात करता है। हम कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएं कि हम ये जानने लायक तो बने, पर जब जानने लायक बनेंगे तो इस पूरी प्रकृति का जो ये जाल है, इस प्रकृति के जाल से, इस फेज से तो गुजरना पड़ेगा। तो इस कैसे हम सफलता पूर्वक इन पजल्स को हम पार करें, इस पजल को पार करने के लिए, यानी कि इस संसार में रहते रहते हम कैसे उन लौकिक ज्ञान की प्राप्ति करें, इसके लिए भी उद्देश्य है कि कैसे हम साहित्य का अध्ययन करें, कैसे हम विज्ञान का अध्ययन करें, कैसे हम धर्म का अध्ययन करें, कैसे हम जो है अपने इंद्रियों को, परसेप्शन को हम कैसे डेवलप करें, कैसे हम चीजों के बारे में जानें। तो इसके बारे में इसकी विशद व्याख्या है, और ये आचरण के लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान मीमांसा पर हम बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाए। आगे जब होगा तो ज्ञान मीमांसा पर हम एक जरूर आपको एक प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ जो मूल मीमांसा है, आचार मीमांसा, आचरण कैसा हो, जो विद्यार्थी है या जो मोक्षार्थी है जिसको मुक्ति प्राप्त करना वो कैसा हो, तो उसके लिए ये सांख्य दर्शन योग दर्शन का सहारा लेता है। सांख्य योग का एक जोड़ा है, तत्व मीमांसा सांख्य दर्शन की, और जो आचार मीमांसा है वो योग दर्शन की। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन में सेम वही तत्व हैं, बस केवल रामा राम और रामा, जैसे राम को कॉपी करके पेस्ट कर लिया और प्लस एक जो है बड़ा की मात्रा लगा दी, सेम उसी तरह 25 दर्शन उन्होंने पेस्ट कर लिए और एक दर्शन को, एक पाई, यानी कि वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे। यही उनके तत्व मीमांसा में यही एक डिस्क्रिमिनेशन है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विशेष कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो योग क्या है? योग है चित्त वृत्तियों का निरोध है, और जब तक हमें सही विवेक ज्ञान हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा, हमें योग के मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। तो योग के 8 चरण होते हैं, अब सभी जानते हैं, लेकिन वर्तमान में योग, योगा जो वर्ड आ गया है, प्रचलित किया है, वो केवल और केवल 2 स्टेप को फॉलो करता है, जो बाबा रामदेव जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, माननीय मोदी प्राइम मिनिस्टर जी के नेतृत्व में जो योग चल रहा है, उसमें केवल 2 चीजों को केवल तवज्जो दी जा रही है, प्राणायाम, आसन और प्राणायाम। जबकि आप सभी पढ़े हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पूरा फेज है एक मुमुक्ष के लिए, जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या एक कंप्लीट एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक शानदार एक जीवन के लिए, एक भारतीय वांग्मय जिस ऋषियों मनीषियों जैसे जीवन के, एक ये कह सकते हैं महंगा एक शौक है, इस तरह के जीवन के लिए हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की चर्चा करते हैं। लेकिन आगे पीछे की तो चर्चा ही नहीं करते हैं, केवल आसन की और केवल प्राणायाम की चर्चा करते हैं। थोड़ा थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं कि एक विद्यार्थी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसको प्राप्त करने, एक शिक्षार्थी या एक मुच्छ के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन हैं। यम यम में हम एक शब्द और जोड़ देते हैं, एक उपसर्ग और जोड़ देते हैं, संयम, संयमित होना, अहिंसा, सबसे पहला है अहिंसा, किसी की हिंसा न करना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी की हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, धन संचय न करना, इस तरह के कुछ है जहां पे हमें संयम बरतना चाहिए। संयम यम एक ही चीज है। इसके बाद नियम, यम के बाद नियम। नियम में क्या क्या आता है? शारीरिक स्वच्छता, मन की स्वच्छता,
ईश्वर की उपासना। इस तरह नियम, एक कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए लाइक, जीवन के कुछ नियम होने चाहिए, स्वाध्याय कैसे करते हैं, इन तरह की चीजों से देखिए कैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस में हम बढ़ते हैं। ये उसी तरह है सेम जैसे अब्राहम मास्लो की, कि बिना फिजियोलॉजिकल नीड की आप दूसरे में नहीं जा सकते हैं, वही होगा अगर आप ऐसा करेंगे। यम नियम, इसके बाद आसन। आसन क्या है कि कैसे हम आसन में जैसे बैठे हैं, एक घंटे से जैसे बैठे हैं, तो किस तरह से बैठे हैं कि हम सही तरीके से बैठ सकें, अध्ययन अध्यापन कर सकें, अपने कार्य करें, उसकी उचित विधियां क्या हैं, उसमें कोई शारीरिक विकार उत्पन्न ना हो जाए, इसके लिए आसन है, बहुत सारे आसन हैं। यम नियम आसन, प्राणायाम। प्राणायाम तीन चीजें होती हैं, खास करके पूरक, कुंभक और रेचक, यानी कि सांस को लेना, सांस को रोक के रखना और सांस को विधि से छोड़ना। तो ये हो गया आपका प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रतिआहार, किसका आहार, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, और हर इंद्रिय को क्या चाहिए, प्लेजर के प्रिंसिपल पे चलती है, सिगमंड फ्रायड ने बताया है, सबको सब कुछ कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, जिह्वा अच्छा खाना चाहती है, त्वचा अच्छा टेम्परेचर चाहती है, मुलायम गद्दा चाहती है ना। तो इस तरह से हर इंद्री सुख ढूंढती है, थोड़ा सा वंचित कर दिया, वंचना कर दिया, जाके वहीं पर मन अटक जाता है। तो जिस भी चीजों के पीछे मन भागता है उसका प्रतिहार कर देना, यानी कि उससे थोड़ा सा उदासीन हो जाना, मना नहीं करता है, करिए, इंद्रियां सुख भोगने के लिए भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें उलझे मत रहिए। प्रत्याहार, धारणा, जो व्रत आपने लिया है धारण करना है, कि जैसे आपको नेट का एग्जाम निकालना है, धारण किया है, अब उसे अच्छे से धारण संकल्प तो ले लें आप अपने मन में कि हमें ये एग्जाम निकालना है, व्रत लिया, व्रती बने, व्रत बनने के बाद में उस पर लगातार अध्ययन, मनन, चिंतन, मनन, अच्छे से मनन कर रहे हैं, मनन करने के बाद धारणा, ध्यान, और फिर समाधिस्थ हो जाएं, फिर आपको आपका भी खुद का भी पता नहीं, केवल सब्जेक्ट रहेगा, आप अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, अस्तित्ववादियों अस्तित्ववादी आपको खोजने लगेंगे कि भाई क्या बात है, कि जब आप ही नहीं रहेंगे आपका ज्ञान किस काम आएगा, वहां मत नहीं जाइए। यानी यहां कहने का आशय ये है कि आपका अपना अस्तित्व, आपका अपना वजूद थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका गोल, जो आपका मुझ का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप महान संकल्प लेकर चले हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। तो योग दर्शन का इसमें इतना ही योगदान है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये कहना ज्ञान मीमांसा के सापेक्ष में कि तीन चीजें मानता है ज्ञान, जो इस प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या होता है, जो वैध ज्ञान होता है, अप्रमा जो अवैध ज्ञान होता है। तो प्रमा में तीन चीजें आती हैं, प्रत्यक्ष, जिसे हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, दूसरा है अनुमान, अनु मतलब पीछे और मान मतलब जो हमें अनुभूत हुआ है, जो हमें माना है उसके पीछे पीछे है, परफेक्ट नहीं है, इंद्रियों वाला तो परफेक्ट नॉलेज है, अनुमान वाला हो सकता है, अनुमान इन्फ्रेंस कहते हैं। और आपको पता है स्टैटिस्टिक्स हमारी दो तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंसियल। तो जो भी हम टेस्ट लगा लगा के जो भी हम अनुमान लगाते हैं वो वही वाला अनुमान है, इंटेलेक्चुअल गेस, एक इंटेलेक्चुअल गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान है। और तीसरा जो जो इन्होंने माना है वो शब्द को माना है। शब्द क्या होते हैं, शब्द ऐसे जैसे कोई रिलीजियस बुक हो गया, अथॉरिटेटिव नॉलेज जो होता है, अथॉरिटेटिव नॉलेज जिसमें एक किसी फील्ड के एक्सपर्ट
कोई है, कोई पूज्य व्यक्ति है, कोई अथॉरिटी है, उसने कह दिया, जैसे अरस्तु ने कहा है, तो अरस्तु एक ग्रेट फिलोसफर हैं, इनकी बात का लोग सम्मान करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है, लोग सम्मान करते हैं, या एक उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इस तरह से आपका एक शब्द हो गया। और सांख्य दर्शन चूंकि विकासवाद से संबंधित है, तो विकासवाद के सिद्धांत जैसे रूसो ने इमाइल के लिए दिया है, उन्होंने एक बुक लिखी है इमाइल की शिक्षा के लिए, उसमें चरण, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन इनके आधार पर जो सांख्य दार्शनिकों के आधार पर जो उन्होंने जो ज्ञान की संरचना बताई, उसके आधार पर ये पता लगाया गया है या रिसर्च की गई है, तो उसमें ये पता निकल के सामने आया है कि ये जो है व्यवहारवादियों के समान ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान व्यवहारवादी क्या करते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया वाले, कि ज्ञान को अंदर बाहर से अंदर की ओर प्रविष्ट करते हैं, ज्ञान दे देना। और सांख्यों का यहाँ पर मानना है कि ज्ञान आत्मा में है, मनुष्य में, उसको निकाल लेना, उसका प्रस्फुटीकरण कर देना, तो यही सब मानते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान मीमांसा भी इसकी कंप्लीट हुई, और ये साइकोलॉजिकल सिद्धांतों के काफी करीब है। इसके लिए काफी समय चाहिए सांख्य दर्शन के लिए, और हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि डिस्टर्ब होने के बाद भी आप लोगों ने ये अपना समय दिया। खास करके मैं कोऑर्डिनेटर महोदय और डायरेक्टर महोदय डॉक्टर योगेश जी और डॉक्टर सोमू सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, साथ ही अपने जो रोज हमारे 5 क्वेश्चंस पे कमेंट करते हैं, उनको देखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय अग्रज श्री नितिन त्यागी जी, डॉक्टर सत्यम मिश्रा जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय दिया, धन्यवाद। यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।